हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय चैनल कल्पी टिप्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 28 साइज़ का कुर्ता कटिंग बताया था, उसमें हमने ये स्लीव कटिंग की थी। और ये स्लीव में जो है हमें फ्रिल का पैटर्न डालना है, और इस वीडियो में आपको मैं फ्रिल कैसे डलवाते हैं इसमें स्लीव में वो मैं आपको बताऊँगी। बहुत ईजी होता है। स्लीव तो हमने कटिंग करके ली थी, इसके पहले वाले वीडियो में आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फ्रिल जो है कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताऊँगी। मैं आपको एक स्लीव पे कटिंग करके बता दूंगी। यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक पट्टी ली हुई है पहले से ही, और यहाँ पे हमारा जो नाप है, यहाँ पे हमें वो फ्रिल जोड़ना है। तो यहाँ का जो नाप है हमारा 11 इंचेस तक, 11 साढ़े 11 तक हमें उसका डबल लेना है। और जो फ्रिल का जो लेंथ है, आपने आपको जैसे आपकी मर्जी है, जैसे आपको पसंद है 4 इंचेस 5 इंचेस, जैसे किसी किसी को उससे भी बड़े साइज़ में चाहिए, आप उसी हिसाब से लेंथ में लीजिए। मैं यहाँ पे रेडी करके मुझे 5 इंचेस तक लेना है, इसके लिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। आप देख सकते हो मैंने 5.5 लिया हुआ है लेंथ इधर से, और यहाँ पे हमें लेना है 22 इंचेस तक। ये जो है इसका स्टिचिंग मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगी, इसी वीडियो में बताऊंगी। इससे मैंने ये डबल लिया हुआ है, ये देखिए। इसको हम पहले एक साइड में बारीक फोल्डिंग करके सिलाई करेंगे, बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें चुन्नी डालते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी। ये इसका कटिंग है। ये जो हमने पट्टी ली है, इसको साइड से बहुत पतला फोल्ड करके सिलाई करनी है। ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, पतली फोल्ड करना है और सिलाई करनी है। ये जो हमने पीस लिया था, उसको हमने पहले साइड में सिलाई करके लिया है। जैसे पहले फोल्ड करके सिलाई करके लेना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे ये सिलाई करते जाएंगे, थोड़ा इसको मामूली फोल्ड करते जाएंगे। ये जो हमने स्लीव कट करके ली है, वो यहाँ पे सीधी रखनी है, और जो फ्रिल बना के ली है वो उल्टा करके लेना है, और यहाँ पे इसको इसके ऊपर रख के ऐसे सिलाई करनी है। इस स्लीव और फ्रिल को जब फिटिंग करेंगे सिलाई करके, उसके पहले हमें 1-1 इंच तक गैप रखना है स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में और एंड में हमें इसको ऐसे पलट देना है, ठीक है। अभी इसको अटैच करने के बाद सीधा करने की करके देखिए, ये ऐसे सेट करना है मशीन पे, और यहाँ पे ऊपर से सिलाई मारनी है ताकि ये अच्छे से फिट रहे। ऊपर से एकदम नज़दीक से सिलाई करनी है। इस साइड से देखिए, ये जो है अच्छे से ऊपर की, ये देखिए मैंने फिट बैठा लिया है, फिर इसको मैं सिलाई करूँगी। ये कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली पिनअप किया है, क्योंकि पहले स्लीव जो है कुर्ते को अटैच होगी, फिर उसके बाद फिटिंग होगी। इसके लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे पिनअप करके आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी कटिंग।